हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लेके आए हैं नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है टू जीएस। और यहाँ पे ये टॉपिक है लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल इतना इस टाइम इतना इम्पोर्टेंट है और इतना करंटली चल रहा है क्योंकि हाल ही में ये इनॉग्रेट किया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल ये इनॉग्रेट किया गया है कब? 4 जून को। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगर हम बात करें इसकी लेवेंडर की, ये देखिए यहाँ पे ये खेती उगाई है लेवेंडर की। और ये बेसिकली कहाँ पे है? ज़्यादा J&K में। और J&K में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इस खेती की। किसकी? लेवेंडर की खेती को, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूजेस भी हैं और इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये जो है बेसिकली लेवेंडर, इसको हम पर्पल या लेवेंडर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये लॉन्च की गई थी कब? 2016 में। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और किसके एसोसिएशन के थ्रू? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अरोमा मिशन के द्वारा। ये CSIR और बेसिकली जम्मू में MMM की, दोनों की क्या है, एक क्या है, कोलाब्रेशन है। और इसको नाम दिया गया है अरोमा मिशन भी। ये बेसिकली लेवेंडर कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज की जा रही है इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन ज़्यादा ये कहाँ पे है? भद्रवाह। तो भद्रवाह हम बोल सकते हैं इज अ मेन कल्टीवेटर ऑफ किसका? लेवेंडर रेवोल्यूशन का। तो अंडर दिस मिशन में क्या था, जो फर्स्ट टाइम फार्मर्स को क्या दिए जा रहे थे? फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स दी जानी थी, यानी कि यंग प्लांट्स दिए जा रहे थे जो कि बहुत छोटे थे। इनकी अगर हम हाइट की बात करें इन यंग प्लांट्स की, कितनी थी? 3 से लेके 4 इंचेस तक इनकी रहेगी। और ये दिए जा रहे थे ताकि जो कल्टीवेटर्स हैं वो अपनी लैंड में इसको ग्रो कराएं। और इसके लिए इनको चार्ज भी किया जा रहा था पर सैपलिंग का 5 से 6 रुपए। नेक्स्ट, इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो ये प्रेगनेंस के लिए काम आते हैं, तो इट इज यूज टू मेक इंसेंस स्टिक्स के लिए। इसके अलावा ये इसमें जो ऑयल निकलता है वो बहुत ही उसका क्या होता है, बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, जैसे कि एंजाइटी वगैरह के लिए, स्ट्रेस लेवल जिनको बहुत रहता है, तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ये ऑयल या अपने रूम में आप ऐसे क्या रखें, रूम फ्रेशनर्स रखें। इसके इसकी पर कॉस्ट कितनी पड़ती है पर लीटर? 10,000 पर लीटर। और इसके अलावा ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग द सोप्स एंड रूम फ्रेशनर्स के लिए। अब ये इसके बारे में इतना क्यों इस टाइम सुर्खियों में है ये, क्योंकि अभी ही फिलहाल ही ये इनॉग्रेट किया गया है 2 डे लेवेंडर फेस्टिवल, कहाँ पे? भद्रवाह में, जम्मू में, ऑन 4 जून। और इसके अलावा जो फर्स्ट था लेवेंडर फेस्टिवल वो कब हुआ था? 2022 में, मई के महीने में। और तब भी ये कहाँ हुआ था? भद्रवाह में ही हुआ था। इसके अलावा CSIR MMM जम्मू ने ऑर्गेनाइज किया गया है इस कंपेन को एज ए 1 week 1 laboratory कंपेन। तो ये जो डेडिकेटेड किया हुआ है उन्होंने, ये वीक पूरा एक किसको किया हुआ है? इसकी कल्टीवेशन को। तो इसका मेन मोटिव यही है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लेवेंडर की कल्टीवेशन करें और एक वो कमर्शियल प्लस बेनिफिशियल बेनिफिट्स पूरे जनता तक पहुंचा सकें। तो इट इज़ ऑल अबाउट द लेवेंडर फेस्टिवल। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।